Assalamualaikum students, अब हम exercise 3 का question number 7 solve करेंगे। Question number 7 है, the volume of a cube is 46,656 cubic meters. Find the length of each side. Simple है, आपको इसमें क्या मालूम करना है? Cube का आप इसमें cube root मालूम करेंगे और आपको cube की एक length की एक side की length मालूम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? 46,656 इसका जो फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर के बाद हम इसका क्यूब रूट मालूम करेंगे, क्यूब रूट मालूम हो जाएगा तो हमें क्यूब की एक साइड की लेंथ मालूम हो जाएगी। तो हम इसके फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर हमेशा प्राइम नंबर से निकलते हैं, 2 से 3 से 5 से 7 11 13 17 और आगे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं इनसे हमारे निकलते हैं। तो हम निकालेंगे 2 2 to the 4, 2 3 the 6, 2 3 the 6, 2 to the 4, 2 8 the 16, 2 1 the 2, 2 1 the 2, 2 6 the 12, 2 6 the 12, 2 4 the 8, 2 5 the 10, 2 8 the 16, 2 3 the 6, 2 2 the 4, 2 2 the 4, 2 9 the 18, 2 1 the 2, 2 6 the 12, 2 1 the 2, 2 4 the 8, 2 5 the 10, 2 8 the 16. अब लास्ट डिजिट जो है हमारे पास 9 आई है, जो कि इवन नंबर नहीं ओड नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 3 से निकालेंगे इसका, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 the 6, 3 4 the 12, 3 3 the 9, 3 8 the 24, 3 1 the 3, 3 27 the 81, 3 9 the 27, 3 3 the 9, 3 1 the 3. तो जो हमने फैक्टर निकाले हैं अब हम इसे इसमें रखेंगे, रेडिकल 3। जितने भी फैक्टर्स निकाले हैं वो सारे हम रेडिकल में रखेंगे, रेडिकल की पावर 3। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 जितने सारे फैक्टर्स थे वो हमने रेडिकल में रख लिए। अब हम इसके पेयर बनाएंगे, 1 2 3, अब हम इसके पेयर बनाएंगे, 3 3 के पेयर बनेंगे क्योंकि हमें क्यूब मालूम करना है। जितने के पेयर बनाए उतनी ही पावर लगेगी, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब हम इस रेडिकल को खत्म करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे पावर के साथ। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था रेडिकल 3 इक्वल होता है 1/3 के, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास जो रेडिकल में लिखा है 2 की पावर 3 2 की पावर 3 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ये रेडिकल के अंदर जितनी भी नंबर्स है आपके पास, ये जाहिर होता है कि इन सब नंबर पे रेडिकल मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, रेडिकल को खत्म करेंगे और सबके साथ 1/3 लगाएंगे, क्योंकि रेडिकल की पावर 3 सॉरी क्यूब, ये जो रेडिकल 3 है इसकी मीनिंग होती है ये इक्वल होता है 1/3 के। तो हम क्या करेंगे, सब पे पावर लगाएंगे 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 पावर, पावर से कटिंग हो जाएगी, जो आपके पास वैल्यू बचेगी वो सिर्फ बेस बचेगी, जो हमारे पास है 2 2 3 3
3, 2 to the 4, 4 3 is 12, 12 3 is 36. तो जो 36 है आपका वो एक साइड की लेंथ होगी किसकी, क्यूब की। जो क्यूब, क्यूब का जो वॉल्यूम दिया था आपने उससे जो इसका क्यूब रूट निकाला है उससे हमें एक साइड की, क्यूब के एक साइड की लेंथ मालूम हो जाएगी। आप लिखेंगे द लेंथ ऑफ वन साइड, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ क्यूबिक मीटर, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ क्यूबिक मीटर इक्वल है 36 के।